हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को डीडी फ्री डिश में कैसे सारे चैनल देखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो डीडी फ्री डिश में कौन सा फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो पूरा चैनल हम लोगों को मिल जाएगा उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्या करने पर आपका जो सारे चैनल आपके डीडी फ्री डिश में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या कमेंट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो कर दीजिए, उसमें हम लोग को मोटिवेट मिलेगा। इस तरह का और भी वीडियो आप लोग के लिए हम बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो में जो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपको रिमोट में मेन्यू प्रेस करना होगा और मेन्यू प्रेस करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम एडिट पे जाना होगा और आपको रिमोट में ओके प्रेस करना होगा। तो ओके प्रेस करने के बाद देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है डिलीट ऑल प्रोग्राम, तो यहाँ पे जाना होगा आपको, फिर से आपको ओके प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे डिलीट ऑल प्रोग्राम पे मैंने ओके किया और यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है और ओके दिखा रहा है, तो मुझे ओके पे लाना होगा और यहाँ पे ओके प्रेस करना होगा तो सारे चैनल्स जो है डिलीट हो जाएगा। तो अभी देखिए नो टीवी प्रोग्राम्स, तो सारे चैनल्स अभी डिलीट हो गए। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे प्रोग्राम सेटअप पे जाना होगा आपको और यहाँ पे ओके करना होगा। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोग्राम, तो यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे फिर ओके प्रेस कीजिए। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है LNB फ्रीक्वेंसी 1, उसमें 9750 रखना है आपको, और LNB फ्रीक्वेंसी 2 उसमें 10600 रखना है, जो है वही रहेगा। अगर आपका कुछ और है तो यहाँ पे 9750 और नीचे 10600 डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पे ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी आपको डालना है 11090, फिर सिंबल रेट डालिए 29500, इसमें यही भी डाला हुआ है, और जो पोलर है पोलारिटी वो वर्टिकल रहेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप लोग देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी आपको डालना है। 22 के टोन है वो ऑफ रहेगा, और ये नीचे डिस्क ये भी ऑफ रहेगा, और स्कैन मोड 3 या तो ऑल, ये दोनों में से कोई भी रखिए चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी इतना डालना है, तो इतना डालने के बाद आपको ओके प्रेस करना होगा रिमोट में। तो देखिए मैं ओके प्रेस कर दिया और ये स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद यहाँ पे मुझे जो टीवी चैनल 18 मिला और रेडियो चैनल 8 मिला मुझे, तो यहाँ पे फिर से मुझे ओके प्रेस करना होगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से वीडियो को देखिए। फिर से आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्रोग्राम पे जाना होगा और यहाँ पे देखिए फिर वही LNB फ्रीक्वेंसी 1 9750 और LNB फ्रीक्वेंसी 2 10600, और यहाँ पे जो नीचे ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा फ्रीक्वेंसी अभी डालेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं दूसरा फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे 11550, तो देखिए 11550, और जो सिंबल रेट है 29500 रहेगा। सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है यहाँ पे और बाकी सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पे फिर से हमें ओके प्रेस करना होगा। तो मैंने ओके प्रेस कर लिया, देखिए तो यहाँ पे फिर से मुझे 20 चैनल मिले और रेडियो का 8 चैनल मिले। आपको सिर्फ यही दो फ्रीक्वेंसी डालना है और ये दो फ्रीक्वेंसी में आपका पूरा काम हो जाएगा। दो फ्रीक्वेंसी डालने के बाद आपको एक सेटिंग करना होगा जिसमें आपको सारे के सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, देखिए नीचे देखिए ऑटो स्कैन लिखा हुआ है, आपको ऑटो स्कैन करना है। इसमें ज्यादा मेहनत वाली काम नहीं है, सिर्फ आपको दो ही फ्रीक्वेंसी डालना है और दो फ्रीक्वेंसी डालने के बाद आपको
ऑटो स्कैन कर लेना है। तो मैं अभी ऑटो स्कैन करने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बनते रहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ ओके प्रेस करना है। तो देखिए मैंने ओके प्रेस कर लिया और ये अपडेट हो रहा है, ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग हो रहा है। ऑटो स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको सारे के सारे चैनल मिल जाएंगे और पहले से जो दो फ्रीक्वेंसी मैंने डाला था वो सब मिलके एक साथ आपको पूरे के पूरे चैनल मिल जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा चैनल दिखाऊंगा कितने चैनल मिले। तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मेरा स्कैनिंग पूरा हो गया है। यहाँ पे मुझे ओके प्रेस करना होगा। मुझे देखिए 116 टीवी चैनल्स मिला और रेडियो चैनल्स 49 मिला। तो यहाँ पे मुझे ओके प्रेस करना होगा। अभी हमें चैनल देखना है कि कौन सा चैनल इसमें आ रहा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको मेनू बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी चैनल लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद देखिए सबसे पहले डीडी नेशनल चैनल है, डीडी किसान, 9XM, ये सारे चैनल आपको मिल जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें स्टार उत्सव मूवीज, रिश्ते सिनेप्लेक्स, मूवी प्लस, इसी तरह का बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का आपका डीडी फ्री डिश सेटिंग कीजिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।